स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो नेक्स्ट बम्पर वैकेंसीज जो आई है वो आई है आपके पास बिहार से, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग ने बहुत बड़ी वैकेंसीज अभी रिलीज करी हैं। ऑल्दो इसका नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है, ये एक गवर्नमेंट का सर्कुलर अभी जारी हुआ है, लेटर जारी हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि वैकेंसीज कितनी सारी हैं, सारे एग्रीकल्चर, स्पेशली एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, सो 2024 आपका बहुत अच्छा साल होने वाला है, क्योंकि ये तो वैकेंसीज आ ही रही हैं, इसके साथ साथ अभी और भी बहुत सारी वैकेंसीज आपने देखा कि रिलीज़ हुई हैं रिसेंटली। ठीक है, सो बिहार में आप देख सकते हो क्या है, पहला तो आप ये देख लो। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी या फिर उप परियोजना निदेशक लेवल 9 की ये जॉब है। लेवल 9 यानी कि बहुत अच्छा स्केल। ठीक है, और टोटल इसमें जो वैकेंसीज हैं 2155 वैकेंसीज। ठीक है, पहली तो ये है आपकी। दूसरी जो आपकी है कृषि अभियंत्रण, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है उनके लिए अच्छी ये वैकेंसी है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इसमें नहीं कर सकते, बीएससी एग्रीकल्चर वाले नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले जो भी हैं उनका है सहायक निदेशक कृषि अभियंत्र। इसमें भी आपके 19 वैकेंसीज हैं सिर्फ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए। ठीक है, इससे अगेन जो थर्ड आपकी वाली है ये है पौध संरक्षण में, यानी कि सहायक निदेशक असिस्टेंट डायरेक्टर की पौध संरक्षण यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन में, ये भी लेवल 9 की जॉब है और इसमें आपकी 11 वैकेंसीज है। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 की प्रखंड कृषि पदाधिकारी यानी कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। और ये भी आप देख सकते हो कि लेवल 7 की ये जॉब है, यहाँ पर दे रखा है। ऑल्दो इसका जो पे स्केल है वो अभी पूरा नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लेवल 7 दिया गया है और वैकेंसीज इसमें टोटल 866 है, यानी कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। सेक्शन योग्यता एक बार देख लेते हैं ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे, बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही इसमें एलिजिबल हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर इसमें अभी मैंशन नहीं किया गया है। ठीक है, सो ये है बिहार कृषि सेवा कोटि 1 जो अभी हमने देखा था, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी। इसमें क्या दिया गया है कि बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और जो कृषि अभियंत्रण वाले हैं यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मतलब उनका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका मेन है आपका प्रखंड कृषि पदाधिकारी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसमें भी क्या चाहिए, कृषि विज्ञान से स्नातक यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और प्रोटेक्शन वाला जो है उसमें भी क्या है, कृषि मतलब बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, साथ में एक इलेक्टिव आपका प्लांट प्रोटेक्शन अगर आपने किया है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके साथ ही उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट अगर हम देख लें 21 ईयर्स से 37 ईयर्स सारे ही कैटेगरी के लिए है, लेकिन अगर आपका कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसके लिए जो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वो है इसमें। ठीक है, अनारक्षित महिलाओं के लिए भी अलग से है, 40 साल तक की एज की वो कर सकती हैं, साथ में ही अनुसूचित जनजाति वगैरह SC ST वाले जो हैं उनके लिए 42 ईयर्स का एज लिमिट इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं क्या इसका आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न होने वाला है। अब इसमें ना कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया गया है कि अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बट हाँ ये दिया गया है कि जो सिर्फ बिहार वाले हैं उन्हीं को रिजर्वेशन वाली सीट्स मिलेंगी, जो दूसरे स्टेट्स वाले हैं उनको रिजर्व्ड सीट्स नहीं मिलेंगी, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है। विच मीन्स कि शायद ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स इसमें आप दे सकते हो ये एग्ज़ाम। ठीक है, जब तक कि आपका पूरा नोटिफिकेशन नहीं आ सकता तब तक हम यही मानेंगे। ठीक है, चयन का आधार यानी कि क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है, तो आपका एक तो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होने वाला है। तो पहला क्या है आपका, जनरल हिंदी का क्वेश्चन पेपर होगा, एक पत्र आने वाला है इसमें, वो भी 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम यानी कि 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, जनरल नॉलेज का भी एक पेपर होगा। ठीक है, एक पेपर सेम पैटर्न, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम यानी कि 120 मिनट्स। और इसका जो पूरा सिलेबस है अभी नहीं अपलोड हुआ है साइट पे, लेकिन अपलोड हो जाएगा जैसे नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद इसका सिलेबस भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका
बिहार कृषि सेवा कोटि शस्य, ठीक है, शस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी के ये देखिए जो जनरल हिंदी है और जनरल नॉलेज, ये जो आपकी चारों ही पोस्ट है सब में ही आएगा, लेकिन उसके बाद जो पोस्ट स्पेसिफिक है वो आपका दूसरा पेपर होने वाला है, ठीक है। सो एग्रोनॉमी वाला जो है उसमें क्या होंगे, दो पेपर होंगे, दोनों पेपर क्या है 200 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट्स दिया जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चंस है वो 100 होंगे लेकिन मार्क्स 200 का होगा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, ठीक। इसका भी जो आपका पाठ्यक्रम है यानी कि सिलेबस है वो मेंशन कर दिया जाएगा। फिर आपका सेम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी है, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी है, और कृषि विज्ञान यानी कि जो एग्रीकल्चर वाले हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वाले, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर वाले, उनका भी सेम होगा कि दो पेपर होने वाले हैं आपके, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। सिलेबस जब आएगा तो फिर उसके बारे में, और जब पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा तो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें यही दिया गया है कि आपका जो जो भी स्टूडेंट्स बिहार के हैं उनको दिया जाएगा रिजर्वेशन, ठीक है। यहाँ कहीं नीचे लिखा हुआ था कि रिजर्वेशन दिया जाएगा जो बिहार वाले ही हैं, बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अब इसमें जो है इतना ही अभी दिया गया है, एग्जैक्ट डेट कब ये शुरू होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन कब एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होने वाली है वो अभी नहीं दिया गया है। सो जैसे ही वो आएगा वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी जो ये सर्कुलर जारी हुआ है इसके हिसाब से इतनी ही इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास है, तो आप इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।